वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ मैथ्स ऑफ 10th क्लास। द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ कैन वी मेक table of trigonometric values. What is the easy method to make this table? So let's see. The very first step is we will write 0 to 4 numbers in different 5 columns. Like here you are seeing on the screen 0, 1, 2, 3 and 4. After that, we will divide all these numbers by 4. In sabhi numbers ko 4 se divide kar denge. Divide karne ke baad, jo bhi number cut honge, उनको कट कर देंगे। जैसे 2/4 है तो हम उसको 1/2 लिख सकते हैं, 4/4 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, और 0/4 है जो वो 0 ही होता है। इन नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। 0 का स्क्वायर रूट, उसके बाद 1/4 का, फिर 1/2 का भी, फिर 3/4 का भी, और उसके बाद 1 का भी। सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपका टेबल स्टार्ट हो जाएगा साइन थीटा से, जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी वो 0 डिग्री की होगी, नेक्स्ट वैल्यू 30 डिग्री की, नेक्स्ट 45 डिग्रीज की, नेक्स्ट 60 डिग्रीज की, एंड द लास्ट वन इज ऑफ 90 डिग्री। ये सारी वैल्यूज जो आएंगी वो साइन थीटा के लिए आएंगी। पहले 0 का स्क्वायर रूट आ गया 0, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का 1 होगा और 4 का 2 होगा। सेम इन नेक्स्ट वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट वो वैसे ही एज इट इज उसे लिख देंगे अंडर रूट 2। सेम इन नेक्स्ट वैल्यू रूट 3/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। दीज आर द वैल्यूज फॉर साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। नाउ वी विल गेट द वैल्यूज फॉर कॉस थीटा। इन कॉस थीटा वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। द लास्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। So we will write 1 in first column in 0 degree. In next column we will write the second last value of sin theta, that is root 3/2. In cos 45 degree we will write the value of sin 45 degree. In cos 60 degree we will mention the value of sin 30 degree, and the first value of sin theta will be at the last in the column of cos theta. These are the values for cos theta. Next, to find the values of tan theta, we have to do one thing. This is the method to find the value of tan theta, sin theta upon cos theta.
तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज भी हैं और कॉस थीटा की भी हैं। तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते जाएंगे और जो वैल्यू होगी आपकी वो टैन थीटा के लिए आ जाएगी। 0/1 आएगी 0, क्योंकि 0 के अपॉन कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगी। 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और द वैल्यू विल बी 1/√3। 1/√2/1/√2 फुल कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू रहेगी आपकी टेन थीटा के लिए 1। सेम इन 60 डिग्री, √3/2/1/2, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू होगी आपकी √3/1/1 की जरूरत नहीं रहेगी, सो वैल्यू विल बी √3। फॉर tan 90 डिग्री, 1/0, जहां पे 1/0 आ जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर 0 है आपका, उसकी वैल्यू कोई भी नहीं होती, सो हेयर द वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर दिस tan 90 डिग्री। नेक्स्ट कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट थीटा होता है जो वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे और सीकेंट थीटा को कॉस थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं कर सकते। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1 की जरूरत नहीं है, सो वैल्यू विल बी 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। कोसिकेंट 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/2 है तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा में 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री में 1 है तो कोसिकेंट 90 डिग्री में भी वैल्यू 1 आ जाएगी, बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। नाउ सेकेंट थीटा। सेकेंट थीटा के लिए सेम वे यूज कर सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा को लास्ट से लेके लिख सकते हैं या फिर कॉस थीटा को दोबारा से रेसिप्रोकल करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉस थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू है 1, तो सेकेंट थीटा में उसी का उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। कॉस थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पे सेकेंट थीटा में 2/√3 उसकी वैल्यू हो जाएगी। कॉस थीटा में 45 डिग्री इसकी वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ पे सेकेंट थीटा में √2 हो जाएगी। सेम 60 डिग्री में सेकेंट थीटा की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि कॉस थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2। और 0 का रेसिप्रोकल हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए जैसे टैन थीटा के लिए वैल्यू ली थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके, सेम वे में कॉट थीटा के लिए करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा या फिर टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे जैसे इस टेबल में देख रहे हो टैन थीटा का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। कॉट थीटा 0 डिग्री की वैल्यू होगी टैन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल हो नहीं सकता। और कॉट 30 डिग्री में टैन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कि 1/√3 है, तो उसका रेसिप्रोकल होगा √3/1। अपॉन 1 की जरूरत नहीं, सो वैल्यू विल बी √3। नेक्स्ट वैल्यू है जो
वन का रेसिप्रोकल वन ही रहेगा, रूट थ्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, और सेम वे में नॉट डिफाइन का जीरो लगा सकते हैं। तो ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जिसको आप इजीली इस मेथड से बना सकते हो और जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो करेक्टली अपने एग्जाम में वो फिल कर सकते हो। तो दिस इज द टेबल ऑन योर स्क्रीन। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस टेबल के रिगार्डिंग कि आपको जो वैल्यूज ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जिनकी, वो वैल्यूज होंगी आपकी 30 डिग्रीज के लिए, 45 डिग्रीज के लिए और 60 डिग्रीज के लिए। ये तीन वैल्यूज आपकी जो ज़्यादा यूज होंगी उसमें, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे ग्रीन कलर में देख रहे हो वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज हैं। तो इस टेबल को बनाना इजी है याद रखने से ज़्यादा, तो इस टेबल को इस मेथड से इजी वे में बना सकते हो और वैल्यूज करेक्टली आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो ये था मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल को बनाने के लिए। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाए ताकि आपको हमारे चैनल पे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।